पिपरिया खेड़ा की शासकीय उचित मूल्य की सेल्समैन केशव कहलावत पर राशन न देने का आरोप, सैकड़ों ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट। शिवपुरी के कलेक्ट्रेट पर आज ग्राम पंचायत रामपुरी के ग्रामीणों ने डेरा डाल दिया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रामपुरी के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे होकर आज शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सेल्समैन पर धांधली के आरोप लगाए हैं, साथ ही जून एवं जुलाई का राशन न देने के भी आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुरी के ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान जो कि पिपरिया खेड़ा में स्थित है, उसके सेल्समैन केशव कहलावत एवं उसके भाई हरवीर कहलावत द्वारा मनमानी रूप से दुकानों को संचालित किया जाता है। जब मन करता है दुकान खोलते हैं, जब मन करता है दुकान को बंद कर देते हैं, एवं जून एवं जुलाई 2023 का राशन भी नहीं दिया गया। जब सभी ग्रामीण राशन लेने पहुंचे तो अगस्त का राशन की कहा गया और कहा गया कि ये लेना है तो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जहाँ शिकायत करनी है वहीं शिकायत कर दो। ग्रामीणों ने बताया कि बदरवास में विक्रेता निवास करता है, दुकान से 20 किलोमीटर दूर है लगभग, इसलिए कभी भी दुकान खोल सकता है और कभी भी बंद कर देता है। आए दिन वह राशन से वंचित हो जाते हैं एवं मजदूरी छोड़कर जिस दिन राशन लेने के लिए रुकते हैं उस दिन दुकान बंद मिलती है। साथ ही स्थानीय आदिवासी युवक को सेल्समैन नियुक्त करने की मांग की है। सुनकर ये लोग बेचारे मुर्गी की तरह डर के मारे छुपक रहे थे, पर आज 4 महीना हो गए, इसलिए आज हमने सोचा कि कल आया था बांटने के लाने, तो हमने बोला 3 महीना का दोगे तो लेंगे राशन, अगर नहीं दोगे तो नहीं लेंगे। तो उसने बोला नहीं 1 महीना का दूंगा, 2 महीना का राशन अभी आया नहीं, आगे से ही नहीं आया। हमने बोला ठीक है नहीं आया तो हम नहीं ले रहे, इसलिए आज हम यहाँ पे आए आपके पास। अभी 1 महीने का मिल रहा ना, 2 महीने का बंद कर दिया। हाँ तो बंद कर दिया, वो दिया नहीं, हमने मना कर दिया ना, क्यों लेंगे 1 महीना का, सही है तो पूरा चाहिए हमें। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश दुकानों पर, लगभग 70% दुकानों पर पिछले 5-6 महीनों में मुश्किल से 2 महीने का इन राशन का सामान वितरण किया है। बेचारे ये भोले वाले लोग होते हैं, KYC के नाम पर इनसे अंगूठा लगवा लेते हैं और पूरा खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग में जा रहा है। और इसमें सिर्फ सेल्समैन दोषी नहीं है, इसके पीछे जो हमारे क्षेत्र के दलाल टाइप के नेता हैं वो लोग और जो अधिकारी मिलकर डकैती डाल रहे हैं। लगातार पिछले 4-5 महीनों में मैंने भी कई बार SDM साहब से भी बात की है कि भैया क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जिनका जो अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे, उनका अधिकार है वो मांग रहे हैं, नियम अनुसार आप सामान का वितरण कराएं। क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल हैं इसलिए कोई कार्रवाई किसी सेल्समैन के खिलाफ नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल उग्र रूप से तैयार हो चुकी है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन, यदि कार्रवाई नहीं हुई, इनको राशन बिल्कुल ईमानदारी से वितरित नहीं हुआ, तो हमको बड़े रूप में एक आंदोलन जिला मुख्यालय पर करेंगे। क्योंकि इसमें सुनने को यह भी आता है कि जिला मुख्यालय तक के अधिकारी इसमें शामिल है। सवाल है मेरा आपसे जी, कि लगातार कांग्रेस से ऐसी शिकायतें आती रही है राजनीति जी, तो चुनाव आते हैं क्या नेता लोग सब आप लोग में? मैंने हमेशा शिकायत की है जब भी मौका आता है, क्योंकि आज सब लोग जब लगातार इस समय क्या है, हमेशा ये होता था कि 3 महीने में 2 महीने का राशन दे रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने में तो सामान ही नहीं दे रहे। जब अति हो गई, जब ये लोग सब आज इकट्ठे हो गए आए, और अभी यहाँ नहीं है कोलारस में भी आज बहुत लोग जमा है SDM कार्यालय पे, और अभी जब लोगों को मालूम पड़ेगा और जब बड़े स्तर पे इसकी सब लोगों से बात होगी तो निश्चित रूप से आप देना। सवाल चुनाव का नहीं है, चुनाव के समय तो रक्षा वितरण होना चाहिए था ना, ये मौका क्यों आ रहा है? यदि आज इनको वितरण सामान होता तो क्यों यहाँ पर आते लोग? सब लोग जानते हैं कि कंट्रोलर कौन चलाता है कोलारस विधानसभा की, 70% एक परिवार वहां कंट्रोलर चलाता है, आप लोगों की भी जानते।